चलिए अब आपको बताते हैं, किसान आंदोलन के मद्देनजर आज रेल रोको अभियान किसान चलाने वाले हैं। इसका खासा असर हरियाणा में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, किसान आज रेल रोको अभियान चलाएंगे, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान किसान चलाने वाले हैं। तो कृषि कानून के विरोध में रेल रोको अभियान किसान आज चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में अभियान चलेगा। देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चलेगा। किसानों के अभियान को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारियां की हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विशेष तैयारियां की गई हैं। देश भर में आरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को भी तैनात किया गया है। वहीं हरियाणा में 80 और पंजाब में 21 जगहों पर रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। तो आप देखिए, रेल रोको अभियान कहां कहां पर होगा। हरियाणा के अमूमन सभी जिलों में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। सोनीपत, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, ये तमाम जिले जहां पर किसान तैयार हैं ट्रेन को रोकने के लिए। हालांकि उतनी तादाद में ट्रेन अभी चल नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी जो चल रही हैं उन्हें भी रोकने के लिए आज किसान अपने घरों से निकलेंगे। पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, तमाम जिले हरियाणा के जहां पर आज रेल रोको अभियान का असर देखने को मिलेगा। तो सोनीपत में 2 जगहों पर किसान आज रेल रोकेंगे। जींद में 10 जगहों पर किसानों का आज धरना है। तो कुल मिलाकर रेल रोको अभियान का असर 10 जगहों पर जींद में देखने को मिल सकता है। रेवाड़ी से दिल्ली जयपुर रेल लाइन भी आज प्रभावित रह सकती है। बहादुरगढ़ में 1 जगह पर ट्रेन को रोका जा सकता है। रोहतक से 3 जगहों पर ट्रेन रोको अभियान का असर देखने को मिल सकता है। भिवानी में 10 जगहों पर रेल रोको अभियान किसान आज करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में आज रेल रोको अभियान का असर देखने को मिलेगा। फतेहाबाद में 2 जगह ट्रेन को रोका जाएगा। कुल मिलाकर आप सावधानी बरतें और आज ट्रेन से सफर करना अगर टाल सकते हैं तो जरूर इसे टालें, क्योंकि आज रेल रोको अभियान के मद्देनजर ट्रेन रुकी तो लेट होने की संभावनाएं लोगों की बढ़ रही हैं। ट्रेन को लेकर भी हो सकता है प्रशासन कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, रेलवे की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं।